जैसे ही जोरा को जंगलों में छिपी पुरमाया के बारे में पता चला, वो इतनी व्याकुल हो चुकी थी कि अपने सैनिकों के साथ उसे खोजने वो स्वयं निकल पड़ी। वक्त रहते फरानक और मेगस झरने के पास पहुंचे। फरानक ने अपनी पोती फरिश्ते को देखा और देखती ही रह गई। सरू के पेड़ सी लंबी, रूप रानी शाही, कमरबंद और शाही अनुग्रह के साथ। अपनी नानी फरानक को 6 साल बाद देख फरिश्ते उनसे लिपट गई। मेगस, तुम्हें फरानक और फरिश्ते को लेकर अभी यहाँ से निकलना होगा। जोहरा स्वयं यहाँ आ रही है, देवदूत सरोश ने मेगस को आगाह करते हुए कहा। और फुरमाया? फरिश्ते ने चिंतित होकर पूछा। फरिश्ते, तुम उसकी चिंता मत करो, पुरमाया का जो दायित्व था वो उसने पूरा किया, मेगस ने फरिश्ते को समझाते हुए कहा। 18 साल की हो चुकी फरिश्ते की आंखों से एक आंसू की बूंद मिट्टी पर गिरने ही वाली थी कि देवदूत सरोश ने उस बूंद को गिरने से पहले ही अपनी हथेली में समेट लिया। तुम्हारा एक आंसू प्रलय ला सकता है फरिश्ते, ये मत भूलो कि स्त्रियों की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते, खासकर तुम जैसी असाधारण स्त्री के। फरिश्ते ने अपने आंसू हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिए। एक आखिरी बार पुरमाया को देखा और उसकी आंखों से एक बार फिर वैसी ही उज्जवल सफेद रोशनी चमकी, जिसे देख फरिश्ते फिर मुस्कुराई। मेगस फरानक और फरिश्ते को लेकर अल्ब्रुस पर्वत की ओर बढ़ने लगी। आखिरकार जोरा अपने सैनिकों के साथ पुरमाया तक पहुंच ही गई। फरिश्ते को वहां ना पाकर क्रोध में जोरा बौखला सी गई। पूरे जंगल में आग लगा दो, राख का ढेर बना दो इस जंगल को। जोरा के सैनिकों ने आदेश का पालन किया। क्रोध में जोरा ने आगे बढ़कर पुरमाया को मौत के घाट उतार दिया। खून से लथपथ पुरमाया अपनी आखिरी सांसें लेती हुई धुंधली आंखों से जंगल को जलता देख रही थी, पर उसे इस बात का भी यकीन था कि फरिश्ते जहां भी होगी वो बिल्कुल सुरक्षित होगी। अल्ब्रुस पहाड़ के रास्ते चलते चलते मेगस ने फरिश्ते को जोरा की क्रूरता के बारे में सब कुछ बताया, उसके पिता अप्तिन की मौत के बारे में भी। फरिश्ते भूखी प्यासी 2 दिनों तक पुरमाया को याद करती रही। तभी देवदूत सरोश ने उसे एक गाय के सींग वाली गदा भेंट की। ये गदा तुम्हें हमेशा पुरमाया की याद दिलाएगी। ऐसा समझ लो फरिश्ते कि पुरमाया तुम्हारे साथ ही है। फरिश्ते ने गदा उठाकर पृथ्वी से जोरा का नामो निशान मिटा देने की कसम खाई। मेगस ने फरिश्ते को समझाते हुए कहा। अभी सही वक्त नहीं है फरिश्ते, पहले तुम्हारे साथ तुम्हारी इस लड़ाई में कुछ और लोग भी जुड़ेंगे, एक सेना तैयार होगी। जिसकी तैयारियां जर्शिया में अभी इस घड़ी में हो रही है, देवदूत सरोश ने मुस्कुराकर फरिश्ते को यकीन दिलाया। जोरा ने अपने क्रोध और बेवकूफी में यह मांग की कि जर्शिया और जरब की प्रजा उसे एक न्यायपूर्ण और महान रानी घोषित करे और महजारनामे पर हस्ताक्षर करे। ज्यादातर लोगों ने डर के मारे आज्ञा का पालन किया, लेकिन खुर्शीद नाम की एक लोहार ने गुस्से में मना कर दिया। उसने गांव गांव कस्बे कस्बे जाकर अपनी पीड़ा सभी के साथ बांटी। मैं खुर्शीद, मुझे रानी जोहरा के खिलाफ न्याय चाहिए। दुष्ट रानी जोहरा ने अपने सापों को संतुष्ट करने के लिए मेरी 16 पुत्रियों की बलि चढ़ा दी और अब मुझे अपनी अंतिम पुत्री को भेजने का आदेश दिया है, पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। खुर्शीद की बातों से प्रजा के लोग एकजुट होने लगे थे। सभी परिवारों ने अपनी बेटियों को खोया था, खुर्शीद की पीड़ा में वो सब सांझा थे। जोरा को जब इस बात का पता चला, उसने मन ही मन सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि उस लोहार की बातें सुनकर प्रजा के लोग सच में मेरे खिलाफ विद्रोह पर उतर आए। जोरा ने अपने शातिर दिमाग में एक योजना बनाई। जोरा ने खुर्शीद को लालच देने हेतु महल बुलाया। खुर्शीद, तुम चाहो तो तुम्हारी आखिरी संतान तुम्हारी प्यारी बेटी की जान बच सकती है। मैंने सुना है कि प्रजा के काफी लोग तुम्हारी बातों का बहुत सम्मान करते हैं। तुम्हें बस अपनी पुत्री के जीवन के बदले सबको जाकर ये ऐलान करना होगा कि मैं
रानी जोहरा जर्शा और जरब की एक महान और न्यायप्रिय रानी हूं, और मुझे भी रानियों की रानी के नाम से संबोधित किया जाए। खुर्शीद ने निडर होकर जोहरा से कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम शासन करने योग्य हो। तुम्हारे हाथ मेरी 16 बेटियों के लहू से रंगे हैं, और न जाने कितनी ही बेगुनाह युविकाओं के लहू से। मैं तुम्हें तो कभी अपनी रानी नहीं मान सकती। खुर्शीद ने जोहरा के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और महल से बाहर निकलकर सीधे बाहर जमा भीड़ को संबोधित किया। हम इसी तरह अगर अपनी बच्चियों की बलि चढ़ाते रहे तो इस पृथ्वी पर से हम पूरी तरह मिट जाएंगी। हमें एकजुट होकर जोहरा की क्रूरता का जवाब देना होगा। खुर्शीद ने अपने लोहार के चमड़े के एप्रन को उतार कर एक लांस की नोक पर रखा और उसे स्वतंत्रता के झंडे के रूप में उठाया। हम सबको मिलकर फरिश्ते को ढूंढ निकालना होगा। वही है जो हमें जोहरा के अत्याचारी शासन से मुक्त करा सकती है। देवदूत सरोज भीड़ में एक कुम्हार के रूप में आई और कहा, फरिश्ते को कुछ कबीले वालों ने टिग्रिस नदी के उस पार अल्बरुस पहाड़ पर देखा है, हमें वो वही मिलेगी। खुर्शीद उस ध्वज को लहराते हुए भीड़ के आगे चल रही थी। भीड़ एक साथ बढ़ती हुई टिग्रिस नदी के उस पार अल्ब्रुस पहाड़ की ओर बढ़ने लगी।